भगवान राम की मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल के गंडक नदी से शालिग्राम की विशाल शिला लंबी यात्रा तय करने के बाद अयोध्या पहुंच गई है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति नेपाल के शालिग्राम शालाओं से बनेगी। हिंदू धर्म में शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और श्री राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार माने जाते हैं। इस शालिग्राम की शिला को लगभग 6 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है ये जानने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौमिकी विभाग यानी कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सिंह ने जानकारी दी है। इस विषय में उन्होंने कुछ रोचक तथ्य भी बताए हैं। साथ ही इस शालिग्राम शिला जिसे चूना पत्थर या लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसके संरक्षण का तरीका भी साझा किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौमिकी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सिंह ने बताया है कि आम तौर पर ऐसी शिलाएं 14 करोड़ से लेकर 20 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक काल की होती हैं और इसकी उम्र का अंदाजा शिला में इम्यूनो एड के आधार पर लगाया जा सकता है। इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है, इसके आधार पर शिलाओं की उम्र का पता लगाना काफी सटीक माना जाता है। इस तरह के इम्यूनो एड स्पीति से मिलते हैं और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ये इम्यूनो एड चक्र जैसा दिखता है और इसमें कॉलिंग होती है। इसमें एक हिस्सा एम्बो होता है जिसमें इम्यूनो एड का मुंह कह सकते हैं। ये समुद्र के तल पर चिपके रहते थे और काफी भारी भरकम रूप से पाए जाते हैं। ये जीवाश्म के रूप में लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थरों में आमतौर पर मिल जाते हैं। कैसे लाखों वर्ष तक सुरक्षित रहेगी मूर्ति, प्रोफेसर बीपी सिंह ने आगे कहा, जहां तक इस तरह के इम्यूनो एड के संरक्षण और आगे की उम्र के बारे में सवाल है तो ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसे एसिड से बचाना चाहिए और जहां तक संभव हो इसे बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाना चाहिए। इसके लिए इसे दूध, फल या किसी भी तरह की खाद्य सामग्री से दूर रखें, क्योंकि उसके जरिए बैक्टीरिया और फंगस इस लाइमस्टोन को नष्ट कर सकते हैं। इसमें लाइमस्टोन को नुकसान होगा, अगर इसे संरक्षित करके रखा जाए तो कई लाख करोड़ साल तक ये सुरक्षित रह सकता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।